हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पवार। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। कैसी लग रही है वीडियो सीरीज चैनल भाई, सब चीज थोड़ी भाई, एक सेकंड, ये थोड़ा स्टार्टिंग में डिस्टरबेंस होगी। थोरू उसको खाने दे भाई, खाने दे ना, तू नहीं जा उधर, जा चल। आलू बुखारा नहीं, ओ भाई साहब चलो। सॉरी, तो फिर अब क्या करना है, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लग रही है सीरीज। और हाँ, मैं ये वीडियो ले आया हूँ जो आप लोग वेट कर रहे थे, जिसका कि कैसे अपने पेरेंट्स को मनाए कि हमें डॉग लेना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, इसमें होते हैं दो तरीके। पहला तरीका जिसमें क्या होगा कि आप लोग जिद्दी करोगे, देख मैं रियल से बात करूंगा जिससे थोड़ी आप लोगों को भी मदद हो, है ना, खाली मजाक नहीं। एक होगा तरीका जिसमें भाई मतलब कि सिर्फ आप लोगों को ही अच्छा मतलब खुशी मिले, या फिर आप लोग ही खुश रहो, मतलब पेरेंट्स खुश ही होंगे। मतलब जो होता है कि बच्चे ज्यादातर करते हैं जिद्दी करने लग जाते हैं, है ना, उसमें खाना छोड़ देंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, रोना धोना सारी चीजें होती है। दूसरा तरीका कि आप अभी नहीं बताता, वो मैं करके ही बताऊंगा, और जो 100% काम करे भी का। तो पहले तरीके पे आते हैं, चलो। ये हमारे थोड़े चप्पलों के बाजे है, ये बस ये थोड़ा सा यूं ही है, ये चीज होगी, ये जरूर दिखा दो आप। ये पहले हमने घर वालों को दिखा लेना, जैसे हम वीडियो बना रहे थे पीछे से सुपरमैन उड़ के भी कूदा था, और वो उधर बहन जी पता ही नहीं क्या करना का सोच रहे, चप्पल ऊपर क्यों लेके आ रहे, क्यों उड़ता रे वो, देखो हमारी बिल्ली एला, सॉरी। चलो मैं मेरी आइसक्रीम खा लेता हूँ, तूने खा ली तेरी, मम्मी मौसी से बात कर रही है, तूने तेरी खा ली मानू। मैं मेरे लिए पहली बार आइसक्रीम लाया हूँ, क्योंकि मैं आइसक्रीम पसंद नहीं करता इतनी ज्यादा, पर मैं ले आया इस बार, खा के देखता हूँ कैसे लग रहे। अरे देखा कि जीभ थूक गिरती हुई आ रही है ये, इसको दो आइसक्रीम दिलाई थी, दो थी वो कहाँ गई, एक मम्मी की थी, इसको यूं कहता जोन सी पसंद है वो ले ले, इसने ले भी थी और अभी इसके पीछे पड़ी है। इनकी ये हमेशा रहते 24 आवर्स खेलने के लिए कह रहा है वो, चप्पल पकड़ ले, सॉरी जरा उधर ले गया मम्मी के पास, इधर आ सॉरी, चप्पल फेंक दी, जल चप्पल उठा के ला, चल नहीं वो चप्पल उठा लेगा। हाँ तो भाई, जैसे कि मैंने बताया था पहला टाइप, इसमें मैं फिट नहीं हो सकता था ढंग से, तो मालूम रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो पहला टाइप क्या होता है कि आप लोग जिद्दी करो हद से ज्यादा, खाना खूना छोड़ दो, खाना पूना नहीं, खाना पीना छोड़ दो, ये सारी चीजें। तो पहला टाइप में रोल प्ले कर रही है मानू एज अ बच्चा और मम्मी एज अ मम्मी। मम्मी तो बचपन वाला काम तो भाई ये है पहला टाइप कि ऐसे घिस जाओ, तुम लोग घिस जाओ ऐसे, और फिर मम्मी और को कहो और धक्का करो। इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या पता पेरेंट्स खुश ना हो और पर तुम्हारी जिद की वजह से दिला दे, उसमें मजा भी नहीं आएगा। तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा इसे, पर ये सिर्फ एक जोक, एक मजाक की तरह था कि ये ऐसा स्किट दिखाया। सेकंड इसी फर्स्ट टाइप में दूसरा तरीका दिखाता हूँ। मैं रोज रोटी बनाऊंगी शाम को, जैसे आप बोलोगे गोल बना गोल बनाऊंगी, कोई बात नहीं, देखा मैंने रोटी वैसे खिला दे बना के, पर कॉफी वो नहीं आवा भाई। मम्मी देखो एक बात, तुम्हारे सारी जिद्दी पूरी कर दी मैंने, पहले जैक को दिया ना, मौसी को देना पड़ा, फिर तब मैं छोटी थी।
हाँ तो कोई बात नहीं, स्ट्रीट हो गई तो नहीं, इनको तो रखते हो तो आप इनको घर में लाने की परमिशन दे दो। तो घर में भी तो ले आई थी, फोक्सी को ले आई थी घर, तो फिर वापिस ला ले नहीं, मैं कुछ नहीं लिया, तो मैं भूल जाए तो मेरा पैर छोड़ता नहीं, मेरे को तो नहीं आपके चरणों की बस पत्नी तो दूर रही जा पर लोगी को दिया भाई मारो हमें, मैं नहीं, मेरे को पता है छह चरण करनी पड़ेगी मम्मी, कैसे करनी पड़ेगी, मैं बड़ी होगी ना, जब भी तुम गए हो मछली गए थे मैं तो वो हमने कैसे करनी पड़ी, जितनी समझदार ना पड़े और देखूंगी मैं, ऐसा ना हो कि तुम्हारा फिर स्कूल में छोड़ना पड़े, खुद जिम्मेवार छुड़ाओगे, चलो भाई अब मेरे को आना पड़ेगा बीच में, ये हो गया पहले टाइप में, मतलब कि बच्चे करते जिद्दी, खाना पीना छोड़ देते हैं, ऐसे जिद्दी करने लग जाते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, हमने ये नहीं की थी, हमारे तो पापा हमारी टीम में थे तो देखो ये चीजें बिल्कुल सही, मैं रेकमेंड नहीं करता कि तुम लोग जिद्दी करो अपने पेरेंट्स के साथ और खाना पीना छोड़ दो या वो ना करो, मतलब ये चीज सही नहीं होती बिल्कुल, कोई खाना नहीं छोड़ता बाथरूम जा जा के तो अब मैं बताता हूँ सेकंड और बिल्कुल जो बढ़िया चीज है जो कहोगे तो लोग घर वाले मान ही जाएंगे, तो चल आपसे करनी है बात, ठीक है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि बड़े हो गए, लग रहा है कि बड़े हो गए, ठीक है, तो बात ये है कि मम्मी ने फिर डॉग लेके आना, डॉग पालेगा या पढ़ाई करेगा, तू नहीं हारेगा, अभी चल रहा है लॉकडाउन, ठीक है, लॉकडाउन में आप है, अभी किसी को नहीं पता कितनी क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो मैं रही बात उसकी पोटी की, सुसु की, सारे जिम्मेवारी मैं उठाऊंगा, मुझे ये तो पता है कि एक बार आने के बाद आपने उठानी जिम्मेवारी, बट मम्मी इस बार मैं भी जिम्मेवारी उठाऊंगा, और एक अपना घर भी बड़ा हो गया है, हमको भी जरूरत है एक गार्ड डॉग की, देखो समझने वाली बात है, और हम मां को भी बहुत पसंद है, तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप कहोगे तो हम रख लेंगे, नहीं नहीं कहोगे तो फिर कोई नहीं बात, तो अपनी स्ट्रीट हाउस पर देखो रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई रिक्वेस्ट तो ठीक है, लेकिन अगर लॉकडाउन है तो तुम ये अभी बच्चा मैं नहीं संभाल सकती, पर देखो हाँ कि वो जिम्मेवारी तो अपने तेरी है, जो तो पता है वो पता है, बट हम करेंगे पूरी कोशिश करेंगे, पूरी पहले मैंने बचपन से लेके आज तक, चाहे तुमने फिशर करियर में आए हो तुम, चाहे तुमने लोग पढ़े हैं, तीन तो पड़े हैं, बट मम्मी तीन चार पड़े हैं, जब हम छोटे थे ना, अब इतने हो गए हम कि हम जिम्मेवारी उठा सकते हैं, ये चीज देख लो, उसके बाद जिम्मेवारी तुम्हारी रहोगी, वो मेरी इच्छा होगी मैंने करना है नहीं, हाँ उसकी सुनते खाने का टाइम हम मानू और मैं देंगे, ठीक है मानू, हम दोनों देंगे प्रॉपर टाइम देंगे उसको, फिर तो अब आपसे प्यार से आपसे सारी बात आपके आगे रख दी, अब आप देख लेना, अगर आप लोग कहोगे तभी ले सकते हैं, हमको तो ऑब्वियसली बात है ऊपर होके तो लेंगे नहीं, अगर आप लोग कहोगे क्योंकि पैसे तो आप नहीं देगा ना पापा से डिस्कशन करूंगी, अभी पापा ऑफिस से आए हैं, तुम बातें मत करना, मैं अपने हिसाब से डिस्कशन कर लूंगी, तो भाई ये सिर्फ एक रोल प्ले था, ये दूसरा जो तरीका था ना वो सच्चाई भी थी, और ये सच्चाई भी थी जिस टाइम मैं और मम्मी बात कर रहे थे, थोर को लेके आए थे, ऐसी बात करी जाती है भाई अगर पेरेंट्स से लेना, अब आप लोगों को अपनी फैमिली का सीन पता है, हमें नहीं पता, मेरे को जो मेरी फैमिली का पता था तो उसी हिसाब से मैंने बात करी कि हमने पहले डॉग्स रखे थे बट जब हम बच्चे थे हमने जिम्मेवारी उठाई नहीं, तो इसलिए वो देने पड़ गए किसी को, है ना, ये मानू हर बारी ऐसे करती है वीडियो रिलीज में, तो हमें देने पड़ गए थे, तो बट इस बार हमने खुद कहा था, लॉकडाउन भी था, ये भी कहा था कि हम जिम्मेवारी उठाएंगे, और आप लोग देख ही रहे हो कि पहले जब से थोर आया हमारे घर में तब से लेके अब तक इसकी सारी वीडियोस है चैनल के ऊपर, एक एक चीज हमने सीखी, एक एक चीज आप लोगों को भी सिखाई, तो फिर ये जिम्मेवारी हमने उठाई है, तो ऐसे ही आप अपनी फैमिली में बात करना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपकी फैमिली में क्या सीन है ना, तो ये सीन है इस तरीके से करो भाई, ये हम इसको सप्लीमेंट दे रहे हैं थोर को, और इसकी ग्रोथ अच्छी हुई है भाई इससे, ये हम दूसरा लिया है, इसका एक खाली हो, एक हो गया था खाली, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ट्राई करना चाहो तो कर लेना आप लोग भी, चलो भाई इसी के साथ इस प्यारी सी वीडियो को एंड करते हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ मदद हो ही होगी इससे, अगर हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना,
और अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय बाय।